नमस्कार, आप ला महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। कल देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे स्मृति स्थल पर पहुंचकर अभिवादन करते हुए देखे गए। बता दें आपको, इस दौरान एकनाथ शिंदे समेत शिंदे गुट के कई नेता भी अभिवादन करने पहुंचे थे। बताते चले कि बाला साहेब ठाकरे का स्मृति दिवस आज है। कल रात में ही एकनाथ शिंदे स्मृति दिवस के अवसर पर पहुंचे और बाला साहेब को नमन किया। इस दौरान उनके साथ कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये भारी भीड़ देख रहे हैं। जिस तरीके से कल देर रात एकनाथ शिंदे नमन करने पहुंचे, उनके पीछे ये भारी भीड़ भी मौजूद रही। सीएम आले तो बाला साहेब ठाकरे का स्मृति दिवस आज है। कल देर रात एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे और बाला साहेब ठाकरे को नमन किया। आपको बता दें, महाराष्ट्र में आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। आज एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे आज ऑटो वितरित करेंगे। इसके लिए उन्होंने पहले से ही शिवाजी पार्क में ऑटो मंगवा लिए हैं और ये भारी भीड़ कल देर रात देखी गई, जब एकनाथ शिंदे के साथ कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारी भीड़ बाला साहेब ठाकरे को नमन करने पहुंची। इस दौरान पुलिस के भी सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे और बाला साहेब ठाकरे को नमन किया। और इस खबर पर कार्यकारी संपादक शिरीष उपाध्याय अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष, आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लिए। जी प्रियंका जी, आज हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी का 10वां स्मृति दिवस है और इस अवसर पर कल रात को ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने दादर के शिवाजी पार्क में स्थित बाला साहेब ठाकरे स्मृति स्थल पर जाकर के नमन किया और पुष्पांजलि दी। लेकिन और उसके बाद शिंदे गुट के कई और विधायक भी वहां पुष्पांजलि देने पहुंचे। बिल्कुल शिरीष, सुनने में ये भी आ रहा है कि आज एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क पहुंचेंगे, ऑटो वितरित करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और क्या इसमें उद्धव ठाकरे शामिल होने वाले हैं? क्या उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच की दूरियां अब कम होंगी? आज जहां तक वो टेम्पो वितरण का सवाल है, तो ये पुरानी टेम्पो ही है जिस पर नया स्टिकर लगा दिया गया है एकनाथ शिंदे जी का, और नए लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के ढंग से, नए फेरी के धंधे लगवाने के उद्देश्य से ये टेम्पो बांटे जा रहे हैं। हालांकि इस कार्यक्रम में सिर्फ शिंदे गुट के लोग ही आएंगे, यहाँ उद्धव गुट के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि कल जब एकनाथ शिंदे जी पुष्पांजलि अर्पित करके शिवाजी पार्क से हटे थे, तो उसके बाद आज सुबह शिवसेना के उद्धव गुट के शिवसैनिकों ने गोमूत्र से पूरे स्थल को धोया और ऐसा बताया कि उसको ये पूरे वो जो बाला साहेब ठाकरे जी का स्मृति स्थल है उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। और ये इस घटना के बाद से ही शिंदे गुट और उद्धव गुट के नेताओं के बीच में वाक युद्ध शुरू हो गया है। श्रीश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अब असली शिवसेना की लड़ाई जारी होने वाली है इसके बाद से, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, विस्तार से बताएं। नहीं, आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आज के दिन ही बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी और शिवसेना और बीजेपी के साथ मिला करके सत्ता तक पहुंचे थे, आज उनको इस दुनिया से गए 10 साल पूरे हो गए हैं। और एक तरफ शिंदे गुट है और एक तरफ उद्धव गुट है, जो इस समय शिवसेना में दो फाड़ किए बैठे हुए हैं।
अब बाला साहब ठाकरे जी के स्मृति स्थल पर जा करके अभिवादन करने को लेकर के भी इन दोनों गुट के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई है। धन्यवाद श्रीश इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आज बाला साहेब ठाकरे का स्मृति दिवस है, कल देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भारी दलबल के साथ पहुंचे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे को नमन किया। बताया ये जाता है कि आज सुबह ही उद्धव गुट ने पूरे स्थल को गौमूत्र से साफ किया है, हालांकि अभी दोफाड़ जारी है, कहीं से भी कोई भी आशंका अभी नजर नहीं आ रही है कि उद्धव गुट और शिवसेना एक साथ आ सकते हैं। हालांकि आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद अहम दिन है। बुलढाणा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जिस असभ्य भाषा का इस्तेमाल राज्य के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री कर रहे हैं वो महाराष्ट्र की भाषा नहीं हो सकती। जमीन कोण गाळतं कोणाचा विचार असू शकतो? क्रिया हा विचार गाळण्याचा मारण्याचा हा विचार कोणाचा असतो? गोडशांचाच असतो। त्यामुळे त्यांच्याकडून या पद्धतीची भाषा येणं स्वाभाविक आहे आणि त्याच्यामुळे वैचारिक याच्यावर मत मांडावं त्यांनी आणि राहुलजींनी वैचारिक मत त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे। भगवान बिरसा मुंडा हे जे त्यावेळच्या इंग्रज सत्तेच्या विरोधात ते अखेरी राहुलजींच्या बरोबर मी सांगितलं की ही जन आंदोलन निर्माण झालेलं आहे आणि शेगावच्या यात्रेबद्दलचं शेगावला जी सभा होणार आहे 18 तारखेला सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांना त्याचाही रिपोर्ट गेला असेल आणि म्हणून या पद्धतीनं शेगावला जी मोठी यात्रा होईल आणि त्याच्या सभा होईल आणि त्याच्यानंतर जे देशामध्ये फक्त महाराष्ट्रात तर परिवर्तन होण्याचं तय झालेलंच आहे पण देशामध्ये एक परिवर्तनाची लहर या मध्य भारतामधून संतनगरीमधून गजानन महाराजांच्या चरणातून या पद्धतीनं जे वातावरण पूर्ण देशामध्ये जाणार आहे त्या भीतीपोटी या पद्धतीचे वक्तव्य त्यांच्याकडून येत असत। पुणे में बाजी प्रभु देशपांडे की 13वीं वंशज रूपाली देशपांडे ने मराठी फिल्म हर हर महादेव से आपत्तिजनक दृश्य न हटाने पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी दी है। आता सध्या मी एक उपलब्ध असलेलं माझ्या सोयीसाठी जी घेतलेली आहे माहिती ती आहे गजापूरचा रणसंग्राम हे सी ए शंतनू परांजपे यांनी लिहिलेलं बाजीप्रभू देशपांडे यांच्यावर लिहिलेलं एक पुस्तक। अर्थात फक्त बाजीप्रभू देशपांडे नाही तर बांदर सेना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि इतरही त्या त्या योगानी येणारा संपूर्ण इतिहास यामध्ये खूप छान पद्धतीने मांडलाय। प्रत्येक वाक्यासाठी त्यांनी रेफरन्स वापरलं, कुठला रेफरन्स घेतला, ऐतिहासिक पुरावा कुठला घेतला, तर अशा काही लोकांची मदत घेता येऊ शकली असती चित्रपट निर्मितीसाठी। माझ्या माहितीप्रमाणे ऐतिहासिक चित्रपट निर्माण करताना ऐतिहासिक माहिती असलेले बिना पुलिस इजाजत रैली निकालने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम को कल मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बताते चले कि स्थानीय शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर ने हाल ही में उद्धव गुट से निकलकर शिंदे गुट में प्रवेश किया है। इलाके में उनकी निष्क्रियता के खिलाफ पूर्व कांग्रेस सांसद संजय निरुपम बाइक रैली निकाल रहे थे, हालांकि इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली थी। जब वे नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद संजय निरुपम ने एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई पेश की है। आज दोपहर 3 बजे हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के जो निष्क्रिय और निकम्मे किस्म के खासदार हैं, सांसद हैं, गजानन कीर्तिकर जी, जिन्होंने अभी हाल ही में 3.5 साल तक घर में बैठे रहने के बाद पार्टी छोड़ दी और शिंदे गुट ज्वाइन किया है, उनके खिलाफ एक बड़ी मोटर बाइक रैली लेकर निकल रहे थे कि भाई गजानन कीर्तिकर आप निकम्मे हो, निष्क्रिय हो, राजीनामा दो। लेकिन सरकार, शिंदे सरकार इतनी घबरा गई हम लोगों से कि सवेरे से ही पुलिस वालों ने मेरा घर घेर लिया था और जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था रैली के लिए तब एसीपी, सीनियर पीआई,
और बाकी कई पुलिस वाले मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती बगैर मुझे कोई अरेस्ट वारंट या डिटेंशन वारंट कोई लेटर दिखाए कोई ऑर्डर दिखाए मुझे जबरदस्ती पकड़ करके वर्सोवा पुलिस स्टेशन लेके आ गए हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार हम लोग के पॉलिटिकल प्रोग्राम से पूरी तरह से डर गई है और मैं डिमांड करता हूं सरकार से कि एसीपी माने ने जो बदतमीजी की है। यवतमाल के वनी शहर में अतिक्रमण की वजह से रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो रहा, इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद ने रास्तों के किनारे हुए अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू की है। ठाणे क्राइम ब्रांच ने देसी पिस्टल से हत्या कर फरार होने वाले हत्यारे को 48 घंटे के अंदर हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। भिवंडी रोड पर एक व्यापारी की दो दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने मोहम्मद सुफियान, नदीम शेख और जीशान खान को गिरफ्तार कर लिया है। नाशिक जिले के पिंपल गांव ग्राम पंचायत चुनाव का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। सभी राजनीतिक दलों की मांग है कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पिंपल गांव का विकास पंचायत के माध्यम से करना मुश्किल हो गया है, इसलिए पिंपल गांव पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। इसी मांग को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। पिंपाव बसवनची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पिंपावकरांनी गेल्या 2-3 महिन्यापासून त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतची नगरपालिका व्हावी, नगर परिषदेमध्ये त्याचं रूपांतर व्हावं या दृष्टिकोनातनं पिंपावतील सर्व राजकीय पक्षातील प्रमुख मान्यवर असतील, नेतेगण असतील किंवा सर्वसामान्य सर्व आमचे सहकारी असतील, गावातील नागरिक असतील, हे सगळ्यांनी एका विचाराने एका दिलाने त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीची निवडणूक जरी लागलेली असेल तर कोणीही त्या ठिकाणी फॉर्म भरायचं नाही असा निर्णय आमचा त्या ठिकाणी मीटिंगमध्ये झाला। त्याच्यानंतरचे परत एक 4 दिवसावर मीटिंग आहे, त्याच्यामध्ये पण सगळ्या नेत्यांनी एकत्रित बसून असं ठरलं। त्याची पिंपळगाव शहरामध्ये 2011 जनगणनेनुसार जी काही 41,000 लोकसंख्या या पिंपळगाव शहरामध्ये आहे आणि आत्ता 2021 जर जनगणना झाली तर ही संख्या 1,25,000 पुढे त्या ठिकाणी पिंपळगाव शहराची राहील आणि पिंपळगाव परिसरामध्ये आत्ता जी काही नगरसंख्या झालेली ती 50 पुढे नगरसंख्या नवीन झालेली म्हणजे थोडक्या। यवतमाल जिले के सिंचाई विभाग में शाखा अभियंता ही नहीं है और किसान खेती की सिंचाई के लिए पानी को परेशान है। अत्यधिक बरसात के कारण खरीफ की फसल में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए किसानों ने रबी की फसल के लिए जोरदार मेहनत की है, लेकिन यवतमाल के सिंचाई विभाग में शाखा अभियंता नहीं होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने में परेशानी हो रही है। शाखा कार्यालय चार्ज कोणाकडे देण्यात आला नहीं है। शाखा अभियंता नसल्यामुळे इतले पत्र व्यवहार इन्वर्ट झाल्याच्या वरती पाठवता येत नाही कारण शाखा अभियंताचे साइन लागतात, त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालयात पत्रव्यवहार सध्या तरी होऊन नाही राहिला शाखा अभियंता नसल्यामुळे। सरांना सांगितलं आहे उपविभागीय अभियंत्यांना की शाखा अभियंता नाही तर मग हे पत्रव्यवहार कसे हे करायचे बा वरती पाठवायचे, तर त्यांच्यावर अजूनही काहीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही आहे आणि जे संबंधित कास्तकार लाभधारक येतात त्यांना आम्ही तेच सांगतो की 4 महिन्यापासून पाणी सोडा तर गळीत म्हणते ते साहेब रिटायर झाला, गळीत म्हणते की ते साहेब सुट्टीवर आहे, असं करता करता आमची हे 4थी चक्कर आहे। मग म्हणे तिसऱ्या चक्रीत म्हणे तुम्ही पाठसऱ्या दुरुस्त करा म्हणे तर आम्ही पाणी सोडतो म्हणे, तर आम्ही स्वतः पैसे लावून वर्गणी करून कास्तकाराकून पाठसऱ्या मायनल दुरुस्त केली, आम्ही ते पिकाफेर होता तेही भरलं आणि सबन आम्ही ओके केला। आता ठाणे की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने कल्याण जीआरपी के 2 पुलिस कांस्टेबल को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पुलिस कांस्टेबल के पास से चरस ड्रग्स बरामद किया है। ठाणे पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम क्रमशः रवि और महेश बताए जा रहे हैं जो कि कल्याण के जीआरपी थाने में तैनात थे।
बुलढाणा में पूर्व मंत्री चंद्रकांत हिंडोरे ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी की होने वाली रैली की जानकारी दी और उन्होंने नाथूराम गोडसे का समर्थन करने वालों को गुनहगार बताया है। 14 तारखेला दुपारी 4 वाजता राहुल जींची पदयात्रा इकडे येते बाळापूर आणि पातूर मधून आणि मग सभेला सुरुवात होईल। या सभेमध्ये नाना भाऊंनी परवा चर्चा केल्याप्रमाणे सोनिया गांधींची अपेक्षा आहे, त्याचबरोबर महाविकास आघाडीचे अनेक मोठे नेते या सभेला येण्याची शक्यता आहे। शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे औरंगाबाद में आगामी 19 नवंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ में 62वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भाटकर का भाषण होगा। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठाचा 62वा दीक्षांत समारंभ दिनांक 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी साजरा करण्यात येत आहे। गेल्या 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्षरित्या दीक्षांत समारंभ साजरा करता आला नाही, कारण कोविडचा प्रादुर्भाव होता आहे। मधल्या पिरियडमध्ये आम्ही एक दीक्षांत समारंभ ऑनलाईन केला आहे, त्यानंतर कोविडनंतर पहिल्यांदा हा दीक्षांत समारंभ प्रत्यक्षरित्या साजरा करण्यात येत आहे। त्यामुळे याची सर्व तयारी आणि विशेष आनंदाने हा दीक्षांत समारंभ आम्ही साजरा करतो आहे। या दीक्षांत समारंभाचं अध्यक्षपद विद्यापीठांचे कुलपती तथा महाराष्ट्र राज्यांचे राज्यपाल माननीय श्री भगतसिंगजी कोश्यारी हे भूषवतील। दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख अतिथी पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर, जे परम सुपर कॉम्प्युटरचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं आणि नालंदा विद्यापीठाचे ते कुलपती आहेत, हे भूषवतील आणि दीक्षांत भाषण। ब्रह्मपुरी शहर में अपने 66 वर्षीय पति का एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बता दें आपको कि पिता के स्मार्टफोन में दर्ज रिकॉर्डिंग से इस हत्या की जानकारी मिलते ही उसकी बेटी ने अपनी मां और उसके प्रेमी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हेलो झोपले का? नहीं। जागेचा? हां जागेचा। हां काम झोपण्याला गेली? नाही काम तर फोन की वाटला तो झाला झालं। हां की बा चिलबुल ना करत आहे ना? ह चिलबुल ना करत आहे हो का? हो आपोप गेले का? नाही गेला का? मांडूनच ठेवलं मी। मांडून ठेवले? हो नाही गेला छाती नाही हालत ना। गुन्हा 3 महिन्यानंतर उघडकीस आला म्हणण्यापेक्षा 3 महिन्यानंतर तक्रार प्राप्त झाली आमच्याकडे। 6/8/2022 एक इथे गुरुदेव नगरला एक फॅमिली राहते, रामटेके फॅमिली, तर तिथे एक साम रामटेके होते। साम रामटेके जे होते ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला होते, रिटायर झालेले होते, अंदाजे त्यांच्यावर 65 वर्ष असेल। तर ते घरी असताना रात्री त्यांच्या मिसेसने त्यांचे नातेवाईक त्यांच्या मुली जे नागपूरला राहताना फोन केला की 3 महिन्या अगोदर माझ्या बाबाची हत्या झाली आणि ती हत्या माझ्या बाबांना आईनी माझ्या बाबांची हत्या केली। ती आम्हाला 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी रात्री 12 वाजता रेकॉर्डिंगद्वारा समजली। त्या रेकॉर्डिंगमध्ये 2 व्यक्तीचा संभाषण होता, एक मुकेश त्रिवेदी आणि दुसरी रंजना रामटेके। या दोघांनी मिळून माझ्या बाबांना जेवणा